नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हमारे इतिहास में पांच ऐसी औरतें हैं जिन्हें हमें पौराणिक रूप से बहुत ही पवित्र माना जाता है और वह आदर्श भी मानी जाती हैं। वह पांच होने की वजह से उन्हें पंच स्त्रियां भी कहते हैं। तीन स्त्रियां ऐसी हैं जो त्रेता युग से हैं और दो स्त्रियां हैं जो द्वापर युग से हैं। ये पाँच स्त्रियाँ मिलकर हमारे देश को इतिहास के रूप से आदर्श स्त्रियों के नाम से जानी जाती हैं। आज जानते हैं कौन सी ऐसी स्त्रियां हैं जो हमारे देश में ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से मानी और पूजी जाती हैं। नंबर एक, अहिल्या को योरचिन का आशीर्वाद था। इसका मतलब यह है कि वह हमेशा ही 16 वर्ष की रहने वाली थी। एक बार इंद्र की उन पर बुरी नजर थी, वह चाहते थे उनसे शादी करना, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई और इंद्र ने एक बार उनका ही रूप धारण करके उनके पास पहुँच गए। आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो अहिल्या ने मना करने पर इंद्र ने उन्हें पत्थर का बना दिया, जिसकी वजह से उन्हें आशीर्वाद मिला कि वह भगवान राम के अगर चरण स्पर्श करती हैं तो वह फिर से अपनी ही युवावस्था में आ जाएंगी। और इसके बाद उन्हें यह आशीर्वाद भी मिला कि वह हमेशा ही यौनावस्था में ही रहेंगी। नंबर दो, दूसरी स्त्री है मंदोदरी। मंदोदरी वह भी एक आदर्शवादी नारी है। मंदोदरी रावण की पत्नी थी और रावण की पत्नी होने के बावजूद वह बहुत ही अच्छी और सुशील मानी जाती हैं, क्योंकि मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के बाद विभीषण से विवाह किया और वह विभीषण उनके देवर थे, लेकिन वह अपने पति को नहीं भूली। इसके बावजूद उन्होंने सीता के लिए विद्रोह भी किया, क्योंकि जब रावण ने उनका हरण किया था, मंदोदरी ने ही मना किया था कि आप सीता का हरण ना करें क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगे, लेकिन रावण नहीं माना और इस कारण से रावण की मृत्यु भी तय थी। लेकिन मंदोदरी ने ही सीता को श्राप दिया था कि वह राम द्वारा त्याग दी जाएंगी। नंबर तीन, पंच कन्या में तीसरी कन्या मानी जाती है तारा, जो कि वानर बाली की पत्नी थी। वैसे उन्होंने धोखे से सुग्रीव से शादी कर ली और सुग्रीव से शादी करने के बाद बाली ने फिर से उन्हें हत्या लिया और फिर राम ने उनका विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद उन्हें फिर से आजाद करके और फिर से सुग्रीव से ही शादी करनी पड़ी, लेकिन तारा ने दोनों का ही वचन प्रवचन किया क्योंकि वह दोनों की साइड थी। राम ने उन्हें क्षमा कर दिया। पंच कन्या में चौथी कन्या थी कुंती। कुंती को आवाहन करके पुत्र की प्राप्ति होने का आशीर्वाद था, जैसे कि हमने पांडवों में देखा भी है और सुना भी है। कुंती के 101 पुत्र माने जाते हैं, जिसमें से 100 तो पुत्र थे और 101 में वह उनकी पुत्री थी और इसलिए उन्हें आदर्श नारी भी माना जाता है। और पांचवी पंच कन्या थी द्रौपदी। द्रौपदी को हम सभी जानते हैं जिनके पांच पति थे और उन्हें कौमार्य का भी आशीर्वाद मिला था, यानी कि जब वह एक पति से होने के बाद दूसरे पति के घर जाती थी एक साल के बाद, तो वह दोबारा से कुंवारी के रूप में ही जाती थी, तो इसलिए उन्हें कुंवारे का आशीर्वाद प्राप्त था और इस वजह से उन्हें आदर्श नारी भी माना जाता है। तो ये हैं पांच स्त्रियां जिन्हें हम पंच कन्या भी कहते हैं और यह आदर्श नारी भी मानी जाती हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।